आज भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में आईजी साहब को ज्ञापन दिया गया है कि एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है 10-15 दिन से, उस ऑडियो में एक भाजपा का बड़ा लीडर है, उनके द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बीएपी से जुड़ा जो आदिवासी है उसको लट मारे और उनके घरों में आग लगाई जाए। उस बात को लेके वीडियो जो वायरल हुआ, इसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कई बार पूछा, सीएम को टैग करके, संबंधित एसपी को टैग करके, आईजी डीजी को टैग करके कि आतंकवादी कौन है जो आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है। लेकिन 15 दिन हो गए, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और इसी के फलस्वरूप भाजपा के इस भड़काऊ भाषण की वजह से आदिवासियों पे लट पत्थरबाजी करने के, उनके कार्यकर्ताओं को निर्देश देने की वजह से दरियावद विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया के अंदर हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमला किया गया। अगर उसका पहले ही पता चल जाता और उस पर कार्रवाई कर लेते तो हो सकता ये घटना नहीं होती। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि भाजपा इस इलाके के अंदर जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना के आपस में लड़ाने का काम कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और सोशल मीडिया पे हमने जो वायरल किया, इसके बाद अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये आवाज़ मन्नालाल रावत जो सांसद हैं यहाँ की उनकी है। हर व्यक्ति कह रहा है, हमने भी उनकी लैंग्वेज जो सुनी है देसी, तो सबका ये कहना है सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी कि ये आवाज़ मन्नालाल रावत जो सांसद है उनकी है। एक सांसद होते हुए अगर ये आवाज़ उनकी है तो एक सांसद होते हुए इस तरह की घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति आतंकवादी से भी घातक व्यक्ति है। तो हम प्रशासन से अनुरोध किया गया है, आजी साहब से मुलाकात की है कि इसमें मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि जो व्यक्ति आदिवासियों का समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना है और वही आदिवासियों का घर उजाड़ने का, घर जलाने की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। पिछले हम महीने भर से देख रहे हैं भाजपा के नेता जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम करके यहाँ पर डिलिस्टिंग को लेके, धर्म को लेके, हमारे पे अनर्गल बयान को लेके जो माहौल बना रहे हैं, सच्चाई है कि उनके पास कोई सहारा नहीं है। वो विकास की बात को लेके आए थे, धर्म के बात पे आके अटक गए हैं। वर्तमान में आदिवासी इलाके के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है डबल इंजन की सरकार। यहाँ पर स्कूलों की हालत खराब है, टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है, कमरे है तो टीचर नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। आज बाबूलाल जी खराड़ी TAD मंत्री हैं, आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा उनको कोई नहीं पता। उनको धर्म और राजनीतिक पार्टी का जो चश्मा लगाया वो चश्मा उतर नहीं रहा है। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक रूम के अंदर, कल की न्यूज है शायद भास्कर की, एक रूम के अंदर पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में प्रिंसिपल बैठ रहा है, उसी में टीचर बैठ रहा है, और एक पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के, और ये एक जगह नहीं पूरे इलाके के अंदर। TAD डिपार्टमेंट के छात्रावास संचालित हैं, वहां पर आदिवासियों का भविष्य तैयार हो रहा है, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब से ये सरकार बनी है वो छात्रावास भ्रष्टाचार के हड्डे बन गए हैं। आदिवासी गरीब बच्चों को छात्रावास में पढ़ाने की सुविधा गवर्नमेंट का नॉर्म से है, लेकिन जब से ये सरकार बाबूलाल जी TAD मंत्री बने हैं, हॉस्टलों की अव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, एक ठेके पे चला रहे हैं, जो पोषाहार वितरण हो रहा है, ऐसी अनेक बातें हैं। भाजपा के लोगों को हमने कहा है, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, हमें शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, और संवैधानिक जो प्रावधान है उसको धरातल पर लागू कराने की जरूरत है। लेकिन ये लोग जब से सत्ता में आए हैं और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा को लेके, संवैधानिक अधिकार को लेके, चिकित्सा को लेके बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ धर्म को लेके बात कर रहे हैं। धर्म के आधार पे सारे मुद्दों को खत्म करने, दबाने का जो अभियान चला रही है भाजपा, अब युवा समझदार हो गया इस इलाके का, अब धर्म के नशे में नहीं आने वाला है। इसलिए आज ये सांकेतिक धरना था, सांकेतिक कार्यक्रम था हमारा, कि जो आतंकवादी कौन है जो आतंकवादी आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है उसको गिरफ्तार करे, अगर नहीं करते हैं 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, 10 दिन बाद पूरा उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग
कि सड़कों पर आदिवासी समुदाय आएगा और न्याय की बात करेगा और उस आतंकवादी को गिरफ्तार करने की बात की जाए। ये गठबंधन का जो इशू है, बहुत शानदार इशू याद दिला दिया आपने, उसको लेके सब चाहते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति अंदर है सबके, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए थे राधा मोहन जी उदयपुर में आए, प्रवेश किया, कहा राजकुमार रोध बहुत अच्छा आदमी, 78 सालों से इस इलाकों में किसी पार्टी किसी नेताओं ने कोई काम नहीं किया, वो काम राजकुमार रोध कर रहा है, अच्छा आदमी है। फिर कहा कि वो जो चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ रह के नहीं, भाजपा के साथ आके कर सकते हैं। उनकी जो अंदर की भावना थी, जो सच्चाई थी, वो सच्चाई को प्रदेश प्रभारी ने बखा किया और भाजपा के नेताओं ने बंद कमरे में उनको वोट डाटा कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हो आप, हमारी पोल खोल दी, यूं करके उनको वोट डाटा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने सच्चाई को स्वीकार किया। अब रही बात गठबंधन का, हम लोग, हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और दूसरे दिन, दो दिन बाद प्रदेश प्रभारी वापस चले जाते हैं, प्रदेश प्रवक्ता के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं राजकुमार रोध बहुत खराब आदमी है। दो दिन पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी को राजकुमार अच्छा लगता है, दो दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष को राजकुमार खराब लगता है। मैंने एक ही कहा है, जो हम चाहते हैं वो काम आप कर लो। इस इलाके में एजुकेशन की जरूरत है, इस इलाके में बेरोजगारी जो बढ़ रही है रोजगार की जरूरत है, इस इलाके में गरीब आदिवासी जो जंगलों में रह रहा है उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस पे ये काम नहीं कर रहे हैं। समझ चुकी है जनता। और आज अगर उपचुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 20 सीटें भी नहीं आएगी, ये सच्चाई है। और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, वर्तमान सरकार जो बनी है वो ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए हैं, मंत्री से लगा के सीएम से लगा के क्या करना है कोई पता नहीं है, बस लोगों को धर्म का नशा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, आईटी सेल का प्रदेश प्रवक्ता कह रहा है कि धर्म की चटनी कब तक चटाते रहोगे, अब तो विकास की बात करो, रोजगार की बात करो। इसलिए सच्चाई सामने आ गई है, बहुत जल्दी उनकी ये धर्म के नाम से राजनीतिक चलने वाली नहीं है, और विशेषकर आदिवासी इलाके में बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग। कांग्रेस कह रही है कि उपचुनाव में हमारी जीत होगी, बीजेपी कह रही है हमारी चुनाव जीत होगी, तो कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हमारी हार होगी, वो तो परिणाम ही बताएगा। हम, हमारा कर्तव्य है, हम बखूबी हमारी पार्टी और इस क्षेत्र की जनता के लिए दोनों सीटों पर जोरदार तरीके से संवैधानिक तरीके से काम करेंगे सच्चाई के साथ, और हमें भरोसा है कि उनके झूठ के सामने हमारी सच्चाई की जीत होगी। कांग्रेस आपके आपके लिए समर्थन के लिए तैयारी करी है, तो आपको किसका लगा? वो तो बीजेपी भी कर रही थी लेकिन हमें जब तक मानना है, मैंने दोनों पार्टियों को कहा है कि जो हम चाहते हैं वो आप कर दो, तो हम राजनीति करने वैसे नहीं आए, हम राजनीति करने वैसे नहीं आए, इस क्षेत्र का भला कर दो। आज इस इलाके के अंदर क्या बात करें, भुखमरी है, आज कई गाँव ऐसे हैं जहाँ कई परिवार ऐसे हैं दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। जाडोल कोटला में टीएडी मंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ कोक में ही बच्चे का सौदा हो रहा है, बच्चियों का गुजरात में कई ना कई व्यापार हो रहा है, और टीएडी मंत्री जी धर्म का प्रचार, धर्म की रक्षा करने के लिए निकले हैं। धर्म स्वतंत्र, हमारा देश का संविधान स्वतंत्रता देता है हर व्यक्ति, और हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हर धर्म का मान सम्मान करते हैं, लेकिन तुम धर्म की चटनी चटाने बार बार आओगे इस इलाके में चलने वाला नहीं है।